तब आरे हुए सांखला साईवाड नापा जी ठाकुर साहब के पास गए और वहां इकट्ठे हुए सब लोग। तो उसके नजदीक ही सेखा जी का कैंप लगा हुआ था। नापा जी को ये लगा कि कहीं तेरे पे अटैक सेखा ना कर दे। तब सेखा जी को उन्होंने संदेश भिजवाया, यहाँ हम भी तैयारी करके बैठे हैं, हमें भी कोई कमजोर मत समझना सेखा। जब दूत आया, आकर के सेखा जी से मिला, सेखा जी को संदेश सुनाया, तब सेखा जी ने कहा अभी संध्या का टाइम है, अब आप आए हो, अब आप रुको, यहाँ जलपान करो, सुबह तक आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। रात को दूत ने विश्राम करने के लिए सो गया। अब सुबह उठ करके दूत ने देखा तो वहाँ टेंट फेंट नहीं थे, वहाँ सामान अस्त व्यस्त था। दूत ने सोचा कि कहीं चले गए, मैं जाकर के संदेश नेपा जी को देता हूँ। जब दूत जाकर के नेपा जी से मिलने के लिए गया तो वहां तो राज ही सेखा जी का हो गया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सेखा जी ने नेपा जी पर अटैक करके सांखलों सहित उन सब का खात्मा कर दिया था और उस रियासत पर सेखा जी विराजमान हो गए थे। जब साईवाड़ को जीत करके बरवाड़ा वापिस आए तो सेखा जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने चिंतन मंथन किया कि एक बगल में चलो इतने काम तो जीत लिए, पर एक बगल के अंदर एक रियासत छोटी सी राजपूतों की और है, डाक राजपूतों की रियासत है, उन्होंने उसके बारे में भी सोचा। तब उन्होंने युद्ध नीति का प्लान बनाकर डाक राजपूतों के ऊपर हमला किया। डाक राजपूत बड़ी सूरवीरता के साथ लड़े, आखिर में अंत में जीत सेखा जी महाराज की हुई। डाक राजपूतों की एक रियासत और थी जिसका नाम नगरगढ़ था और उसके राजा किलन जी, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम गंग कंवर था, राजपूतों की रियासत थी। ये नगरगढ़ वो नगरगढ़ है जो श्री राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण, नगरगढ़ की राजकुमारी उर्मिला के साथ शादी हुई थी। तब किलन जी ने सोचा कि महाराज सेखा जी का कैंप उनके नजदीक लगा हुआ था, मैं वयोवृद्ध भी हूँ, राव सेखा जी जवान भी हैं, मैं अगर युद्ध करता हूँ हार गया तो क्या होगा, अगर मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो जनता क्या सोचेगी। इस कसमकश के बीच उन्होंने अपना दूत राव सेखा जी के पास भेजा। उस दूत ने जाकर के राव सेखा जी से कहा, ये संदेश महाराज ने भिजवाया है कि मेरे एक ही पुत्री है गंग कंवर, इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। तब सेखा जी ने अपने जो साथ उनके चाचा और लोग थे जो मेन उनसे चर्चा की, तब सब में खुशी का माहौल हुआ कि रिश्ता बहुत बढ़िया आया है, अपने को कर लेना चाहिए।